बहुत से लोगों की भ्रांति होती है कि वो कथा को कल्पना मानते, स्टोरी मानते। अब मान लीजिए कोई आप फिल्म देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं टीवी पर, आप एक फिल्म को कितनी बार देख सकते हो? अपनी अपनी कैपेसिटी बताइएगा, क्षमता बताइएगा कि आप कितनी बार देख सकते हैं एक मूवी को, आप कितनी बार देखोगे, ज्यादा से ज्यादा कितना देख सकते हो? नहीं पता, अब इतना भी नहीं पता, हम बताएं आपके मन की बात के कितनी बार देख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा एक जीव एक चीज को 3 बार सहन कर सकता है, 3 से अधिक नहीं। तो आप कोई भी फिल्म देखेंगे, कोई भी मूवी देखेंगे, 3 बार देख सकते हैं, उससे ज्यादा आपकी क्षमता ही नहीं कि आप देख लो, आपका मन ऊब जाएगा। तो कथा कहने का अर्थ ये है कि यदि कथा कल्पना की चीज होती, क्योंकि कोई फिल्म होती है ना, वो क्या होती है, काल्पनिक चीज होती है, वो बनाई गई होती है, विचारों में जो हमारे भाव आता है, हमारी बुद्धि में विचार आया, उसे हमने क्रिया का रूप दे दिया, भावना उठी मन में और बुद्धि में विचार जगा और उसे हमने क्रिया का रूप दे दिया, वही होती है चलचित्र, एक मूवी महाराज। अब आप चूंकि वो एक कल्पना की चीज है तो उसे आप 3 बार देख सकते हैं, लेकिन कथा कोई काल्पनिक चीज नहीं है, इसलिए अनंत जन्मों से लोग इसे सुनते आ रहे हैं और अनंत जन्मों तक सुनते रहेंगे, लेकिन ये कभी पुरानी नहीं होती, सदैव नई लगती है। जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार ये मन को ठंड देती है, आराम देती है, इसलिए कथा कभी काल्पनिक नहीं होती, कोई कहानी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि हमने 9 दिन बैठ करके कहानी सुन ली, कहानी नहीं है महाराज, वास्तविकता से रूबरू कराती है कथा हमें, हमारे जीवन की हर समस्याओं का अंत है, समाधान है इसी कथा के अंदर, लेकिन हम उसे ढूंढने का प्रयास नहीं करते। 7 दिन हो, 9 दिन हो, बैठ करके कोई एक चीज, कोई एक बात ऐसी आप अपने जीवन में उतारिए जिससे हमारा कल्याण हो सके, सुधार हो सके, इसलिए हम कथा में आते हैं। नहीं तो ऐसा सोच करके मत बैठिएगा कि कथा चल रही है अब जाना चाहिए उसमें, इसलिए हम चले गए। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती कथा, आपको कोई जबरदस्ती नहीं बिठाएगा, ये मन की भावना होती है, अपने मन का विचार होता है कि मेरी कितनी अनुराग है, कितना प्रेम है राम के प्रति, वो अनुराग वो प्रेम खींचता है आपको। तो जो पीछे बैठे हुए हैं, अब आई बात उनकी बारी उनकी, तो महाराज आपको कहा गया है कि आपको पीछे ही बैठना है, जगह खाली हो तब भी, पीछे वाले सुन रहे हैं ना। देखिए जो कुर्सी पर बैठे हैं उनके लिए भी एक बात कह देती हूँ, यदि आप हाथ पैर से स्वस्थ हैं, आपके शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, तो हमारे हिसाब से हम जो सोचते हैं कि पृथ्वी माता की गोद में बैठ कर के जितना आप आनंद ले सकते हैं कथा का, उतना कुर्सी में नहीं ले सकते, सोफे में नहीं ले सकते हो। ये सोफा कुर्सी तो घर में भी है महाराज, कम से कम कथाओं में तो भी हमें धरती माता की गोद में बैठने का सौभाग्य मिल रहा है तो बैठे। तो ये कुर्सी ये सोफा उसके लिए रखा जाता है जो शरीर से अस्वस्थ होते हैं, बुजुर्गों के लिए, जो अभी जनरेशन है जो बैठी हुई है उनके लिए नहीं होता है महाराज। आप नीचे बैठे हैं और आनंद से कथा सुने तो ज़्यादा आनंद आएगा, और जो पीछे बैठे हुए हैं उनकी स्थिति कैसी होगी अब सुन लीजिएगा, कान खोल करके जो सबसे पीछे बैठे हैं, महाराज जगह खाली है इसलिए कह रहे हैं, जगह अगर ना होती तो फिर आपको नहीं कहते, आप पीछे ही रहते। कि कभी देखा है मछुआरे को, देखा है मछली फंसाते, देखा है तालाब में जब वो मछली फंसाता है तो मछुआरे के जाल में वही मछली फंसती है जो दूर होती है, होती है ना, और जो पास होती है उसके पैरों के पास वो कैसे फंसेगी,
तो इसलिए भगवान के जितना पास बैठोगे ना, जितना करीब बैठोगे, नजदीक बैठोगे, उतना ही जीवन में आराम होगा और माया जाल में नहीं फंसोगे। और यदि जितनी दूरी होगी उतना फसाव होगा। और दूसरी बात और कह दें कि हम कथा आरंभ होने से पहले कहते हैं ना कि आइए हनुमंत विराजिए, तो सबसे पहले हनुमान जी कथा में आ करके विराजते हैं। अब हमारी दृष्टि इतनी पवित्र नहीं है कि हम उन्हें देख पाएं, तुलसी बाबा की तरह हमारी दृष्टि नहीं है, नेत्र नहीं है कि हम उन्हें देख पाएं, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाते। नहीं तो हनुमान जी जैसा रसिक श्रोता कोई नहीं है, और किसी ना किसी रूप में हर कथा में हनुमान जी हर जगह सबसे पहले जा कर के बैठते हैं। इसलिए आप कथा में आओगे और एक दूसरे को पैर लगाओगे, मान लो किसी रूप में यदि भगवान बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, उनको पैर लग गया तो दोष लगेगा ना, पाप लगेगा ना। इसलिए जो जहाँ आए अपनी जगह बना करके बैठना चाहिए। आप पीछे बैठे हो, आपके पीछे आने वाला फिर आगे आएगा, चार को कुचलता हुआ आएगा तो दोष लगेगा ना। किसी को पैर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सब में राम है महाराज।